उत्तर प्रदेश के मऊ के घोसी में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रत्याशियों की किस्मत अब मतमेटियों में बंद हो गई है। घोसी उपचुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने घोसी में सपा की जीत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर दारा सिंह चौहान ने एक साल बाद ही सपा और विधानसभा से त्याग पत्र देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद खाली सीट पर मंगलवार को मतदान हुआ। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच मुख्य तौर पर मुकाबला है। हमको पूरी जनता का समर्थन है, जनता पार्टी की बात मत पूछिए, पूरी जनता हमारे साथ है। अच्छा, इधर मायावती ने कहा है कि इस बार जो हमारे कार्यकर्ता नोटा का इस्तेमाल करे, चुनाव प्रक्रिया में भाग न ले, उसको लेकर क्या आपकी राय है? यह गलत आपने कहा। भवन मायावती ने यह नहीं कहा कि नोटा का इस्तेमाल करे। उन्होंने यह कहा कि जो सबको धोखा दिया है उसको ठीक करो। तो 7 बार दल बदलने वाला कौन व्यक्ति है, उसी को ठीक करने के लिए कहा है। नहीं, उन्होंने भी कहा कि आप लोग नोटा का इस्तेमाल ज्यादा करिए। नहीं, विपक्ष चुनाव एक करा दें, 50,000 से सुधाकर सिंह घोसी की विधानसभा सुधाकर सिंह को जिता करके भेज देगी। तो क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव करा दे? अभी तो मैंने बताया कि फतेहपुर में रोका जा रहा था 20 मिनट तक। वो भी इंस्पेक्टर कोई खड़ा था, एक सिपाही विनीत सिंह रोक रहा था, कार्ड मांग रहा था, कार्ड लेकर रख ले रहा था, तो कैसे इसको निष्पक्ष कर दे? मतदान के बीच भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने कहा कि मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारी बहुमत से भाजपा की जीत होगी। पूरे हर जगह शांति से वोट पड़ रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, और जो मैं घूम रहा हूँ देख रहा हूँ कि पूरे विधानसभा में सारे लोग जो है कमल के बटन दबाने की तैयारी कर लिए हैं और दबा फिर हैं बड़ी तेज़ी से। जहाँ तक मैं घूमा हूँ हर जगह केवल कमल कमल कमल। इससे साबित होता है कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने इस देश के सच्चे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो चौतरफा विकास किया है, लोगों ने भरोसा किया है, मुझे लगता है आज के दिन इतना ज़्यादा मैंने कमल के बटन दब रही है, और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारी बहुमत से भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत के जाएगी। 8 सितंबर को घोसी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इस उपचुनाव के नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए भी एक चैलेंज माना जा रहा है।